मॉर्निंग दोस्तों, वैष्णव वृंदा ब्लॉक में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे चाप। अब हम उसके काटेंगे टमाटर। टमाटर काटने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं चाप। चाप को हम फिर इसको काटेंगे, बॉईल करेंगे, फिर हम टमाटर काटेंगे बारीक बारीक अपने। देखिए कितने अच्छे से हमारे टमाटर कट गए, बिल्कुल बारीक चॉप हो गए। इसको उठाएंगे हम प्लेट में। बिल्कुल बढ़िया से चॉप हो गए, दो टमाटर काटेंगे। कैसे हम काट रहे हैं टमाटर, बड़ी प्यार से काट रहे हैं टमाटर, बारीक और जल्दी। ये देखिए कितना छोटा टमाटर कट रहा है। फिर इसको एक बारी और कर दो। ये हो गया चॉप, ये आपका आ गया प्लेट में। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे चाप है, ये आधा किलो चाप है हमारी। डंडी हमने इसकी निकाल दी है, इसको हम काट के छोटे फिर फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसका मसाला बनाएंगे, फिर आगे दिखाते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों, चाप हम काट रहे हैं। तो चाप काटने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए चाप हमने काट लिए हैं अपने, सब हम फ्राई करेंगे इसका मसाला। देखिए दोस्तों, हम काट रहे हैं हरी मिर्च। तीन हमने हरी मिर्च ली है। देखिए दोस्तों, मसाले हमने निकाल लिए हैं। ये हमारी हल्दी पाउडर है, ये मिर्च पाउडर है, ये नमक है, ये धनिया पाउडर है, ये हमारा जीरा है, ये हमारी हरी मिर्च है, ये हमारी मेथी है, ये हमारा अमचूर है, ये हमारा गरम मसाला है, और इसमें हमने सौंठ पाउडर भी डाला है, क्योंकि अदरक पानी की वजह से अच्छा नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमने सौंठ का पाउडर लिया है, जो कि सूखी अदरक का ही बनता है। तो चलिए, अब इसको मसाला हमारा तैयार हो गया है। अभी इन मसालों को हम डालेंगे पानी में। देखिए दोस्तों, तो अपना मसाला डालेंगे, इसमें पानी डालेंगे। ये हमारी हरी मिर्च, लाल मिर्च है, ये हमारा हल्दी पाउडर है, ये हमारा नमक है, ये हमारा जीरा है, ये हमारा गरम मसाला है, ये हमारा सौंठ का पाउडर है। और दोस्तों, जीरा, हरी मिर्च और धनिया, सॉरी वो जीरा, ये हम डालेंगे गरम तेल के अंदर। ये हम इसको अलग कर देते हैं और इसको हम डालेंगे, इसमें डालेंगे पानी। पानी डालने के बाद हम इसको करेंगे, देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। पानी डाल कर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले को। ये देखिए, ये हमारे मसाले अच्छे से भूल जाएंगे, जलने की चांसेस कम रहेगा। ये देखिए, ये हमारे मसाले अच्छे से मिक्स कर रहे हैं हम पानी डाल के। इसको हम 5 मिनट के लिए ऐसे भिगो के रख देंगे। तब तक हम चाप को फ्राई करेंगे तेल में। तो ये दोस्तों, हमने इसका बना के मसाला रख दिया है एक साइड। अब हम इसका चाप, देखिए दोस्तों, अब हम इसमें डालेंगे कढ़ाई में तेल फ्राई करने के लिए। तो
देखिए दोस्तों, तेल हमारा गर्म हो गया है अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे अपनी चाँप। चाँप हमने काट के रखी हुई है, देखिए चाँप अच्छे से कट चुकी है। अब इसको हम डालेंगे फ्राई होने के लिए तेल में। देखिए अब इसको हम अच्छे से करेंगे। सरसों का तेल बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। दोस्तों अच्छे से हमारे फ्राई हो रहे हैं। फ्राई होने के बाद हम आपको दिखाएंगे आगे। देखिए दोस्तों, चांप हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमारे चांप में। अब इसको हम निकालेंगे प्लेट में, क्योंकि चांप हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। और हम दिखाते हैं आपको, देखो बहुत ही अच्छा कलर आ गया। देखो रेड कलर में भी कलर आ गया है, और जो अंदर से वाइट होती है उसमें भी गोल्डन कलर आ गया है। देखिए इतने अच्छे से लग रहा है। अब इसको हम निकालते हैं प्लेट में, फिर आगे मसाला बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमने अपनी ये सोयाबीन चाप कैसे बनाई है। आप भी बनाइए। तो देखिए दोस्तों, अब हम निकालेंगे अपनी चाप को इस बर्तन में। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया हमारी चाप में, और एकदम सॉफ्ट है हमारी चाप। अभी मैं दिखाऊंगा आपको दबा के कितनी सॉफ्ट है, एकदम भी ये हार्ड नहीं है। देखिए कलर कितना बढ़िया है। अभी इसको प्लेट में निकाल देंगे एक एक करके। देखिए दोस्तों, ये हमने अपनी चाप निकाल ली। देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है। अब इसको हम तेल को दोस्तों, चाप हमारी बिल्कुल बन चुकी है सॉफ्ट। ये देखिए कैसे दब रही है, ये बिल्कुल सारी आराम से दब रही है। देखिए कैसे दब रही है, एकदम सॉफ्ट है एकदम। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है। चलिए दोस्तों, अब हम इसके लिए बनाते हैं मसाला। तेल चढ़ाते हैं दोबारा से और मसाला भूनते हैं चाप के लिए। तो देखिए दोस्तों, तेल हमारा गर्म हो चुका है, हमने तेल कम कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे जीरा। तेल हमारा गर्म है, इसको हम जीरे को तड़काएंगे, और इसी के साथ ही हम डाल देंगे हरी मिर्च। ये हमारी लकड़ी अच्छे से, देखिए मसाला हमारा अच्छे से भून जाएगा। डालेंगे इसके अंदर मसाला, डालेंगे टमाटर, देखिए। तो देखिए दोस्तों, अब हम अपना मसाला डाल रहे हैं इसके अंदर। जो मसाला हमने पानी में भिगो के रखा था वो तो मसाला डाल रहे हैं इसके अंदर, और इसके अच्छे से हम घुमाएंगे। देखिए मसाला हमारा कैसे बन रहा है। देखिए दोस्तों, मसाला हमारा अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा पानी। देखिए थोड़ा मिर्च में पानी डाल रहे हैं। पानी डाल के हम थोड़ा देर इसको और पकाएंगे, ताकि हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए, टमाटर वगैरह सब। देखिए इसका अच्छा ग्रेवी बनेगी हमारी। इसको थोड़ा हम जो हमने पानी डाला है इसके अंदर, थोड़ा और पकाएंगे। Thank you.
मसाला हमारा कितना अच्छे से बन गया है, ताकि इसके अंदर अच्छे से नमक अंदर तक अपने खाने में स्वाद मिले। मसाला हमारा कितना अच्छा कलर है, कितना अच्छा मसाला बना है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मसाला भूनना ही बहुत ज़रूरी है। मसाला भूनने के बाद तो आपकी सब्जी में मज़ा आएगा ही आएगा। और इसमें हम डालेंगे चाप। तो देखिए दोस्तों, अब हम डाल ज़्यादा नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमने रोटी पहले से ही बना ली है, तो इसलिए हम सब्जी को रोटी के हिसाब से रखेंगे। थोड़ा डालेंगे पानी, इसको हम लगाएंगे ढक्कन। दोस्तों अब इसको हम लगाएंगे ढक्कन, लगाएंगे ताकि अच्छे से इसके अंदर पानी वगैरह सब चला जाए, मसाले भी अच्छे से इसमें इजाफा हो जाए। उसके बाद आपको दिखाते हैं 5 मिनट के बाद सोयाबीन चाप हमारी कैसी हो। तो देखो दोस्तों, अब अपना ढक्कन उठा के देखते हैं हमारी चाप कैसी बनी है। देखिए दोस्तों, चाप का रंग देखिए दोस्तों, ये देखिए क्या लबाबदार बना है हमारा चाप। ये देखिए ग्रेवी ना ज़्यादा ना कम। और दोस्तों इसी स्टेज पे हम इसको उतार देंगे। दोस्तों हमारा अब एक आइटम रह गया है लास्ट का, आपको अब हम डाल के दिखाएंगे। ये है हमारी कस्तूरी मेथी, यानी के सोने पे सुहागा। हमने इसको तवे पे भून के और फ्रेश करके रखी है डब्बे के अंदर एयर टाइट में, और इसका कलर ऐसे ही ग्रीन ही बना हुआ है। अब स्टेज पे हम उतार देंगे इसको, और दिखाते हैं आपको आगे हमारा सोया चाप। तो देखिए दोस्तों, चाप हमारी बनके तैयार है। देखिए मसाला चाप, देखिए इसमें बिल्कुल ही पानी नहीं है, रोटी खाने के लिए एकदम बढ़िया है। अब इसको हम निकालेंगे प्लेट में। देखो दोस्तों, चाप हमारी बनके तैयार है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल एकदम तैयार है चाप हमारी।